खाते पीते हंसते मुस्कुराते हुए मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, देखने से आपको कुछ पता चल रहा है तो फ्रेंड हम बता देते हैं आपको, ये कद्दू की सब्जी है, चटपटी, खट्टी, मीठी। तो जो अगर खाता नहीं है आपके फैमिली में वो भी देख के खाने को मजबूर हो जाएगा। तो चलिए इस तरीके से इसको बिल्कुल न्यू तरीके से बनाएंगे, जैसे हलवाई बनाते हैं शादियों में, पार्टियों में। तो चलिए बनाते हैं आज हम लोग कद्दू की ऐसी सब्जी बनाएंगे जो बारात में बनती है। तो हलवाई लोग ऐसा क्या चीज़ उसमें डालते हैं कि जो जो नहीं खाता वो भी खाने लगता है। तो फ्रेंड आपके भी फैमिली में अगर कोई नहीं खाता है, इस तरह अगर सब्जी बना दिए तो पक्का वो खा लेगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इसे इसके छिलका उतार लेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। देखिए कद्दू को हमने कट कर लिया है और इतने बड़े बड़े साइज में कट करना है और इसे छोटा टुकड़ा नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो जूस जाएगा वो बहुत ही टेस्ट, खट्टा मीठा सा टेस्ट लाएगा। तो चलिए अब चलते हैं गैस पर। हमने रख दिया है गर्म होने के लिए और इसमें सबसे पहले हम जीरा और मेथी दाना ऐड करेंगे। थोड़ा सा कलर चेंज होने पर इसे फ्राई करेंगे। पैन पे धनिया पत्ता ऐड कर देंगे और ये लाल मिर्ची, और इसी टाइम पे हम इसमें कद्दू को ऐड कर देंगे। इसे थोड़ा सा हम साफ होने पर फ्राई करेंगे। तो थोड़ा सा साफ हो जाने के बाद हम लेते हैं, तो चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा साफ हो चुका है। अब इस टाइम पे हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हम काला नमक ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमको खट्टी मीठी चटनी बनानी है। तो थोड़ा सा काला नमक डाल के सादा नमक भी ऐड कर लेंगे। तो चलिए इसे थोड़ा सा और साफ कर लेते हैं, तब तक ये बाकी की प्रोसेस भी कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड देखिए, ये है सीक्रेट जो कि हलवाई लोग नहीं बताते हैं किसी को भी, कद्दू की सब्जी इतना टेस्टी बनाने के लिए। तो ये लहसुन है और ये सौंफ, अजवाइन, मंगरैल और ये मिर्ची, लाल मिर्ची है। और इन सबको थोड़ा सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम इमली का पानी ऐड करेंगे और इसका दो हम ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। आप इसके इसके जगह पर शक्कर भी यूज कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा हम जीरा पाउडर ऐड करेंगे। इस सारे चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मेल्ट होने देंगे। देखिए फ्रेंड अच्छे से ये मेल्ट हो चुका है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, बाकी चलते हैं बाकी के प्रोसेस। हमारा कद्दू भी देखिए रेडी हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही ऐड करना है। और इसमें सादा नमक थोड़ा सा ऐड करना है। याद रखिएगा आप काला नमक भी ऐड किए हैं तो थोड़ा सा सादा नमक, ज़्यादा नहीं। और इस टाइम पे हम इसमें धनिया भी ऐड करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला, किचन किंग मसाला आप ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा सा हम इसमें जीरा पाउडर और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर हम ऐड करेंगे। बस इतना ही चीज़ हमें ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये जो हमने
तैयार किया है इमली के पानी से, इसे भी इसमें ऐड कर देंगे। तो याद रखिएगा अलग से हमें पानी नहीं ऐड करना है, इसी में बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे पकाना है। तो चलिए मिक्स कर लेते हैं, इसे ढक के पकाते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जैसे जैसे इसमें गुड़ मेल्ट होगा उसका कलर बहुत ही अच्छा कलर आता जाएगा। तो आप इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं कलर के लिए, अगर स्किप भी करते हैं तो भी कलर बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए इसे ढक के पका लेते हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है इसे। फ्रेंड एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये देखिए कितना देखने में कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका। और देखिए इसका ये जूस है, इसे हम ड्राई नहीं करेंगे और इसे गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं, और ज़्यादा मैश भी नहीं करेंगे कि ये देखने में अच्छा लगता है, ऐसे बड़ा बड़ा पीस कट में रहता है। तो चलिए इसका गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं, 2 मिनट बाद ही ठंडा हो, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद सर्व करेंगे। तो वाह, कितना अच्छा सब्जी बन के रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड आपके घर में भी अगर कोई नहीं पसंद करता है कद्दू की सब्जी, अगर इस तरह से आप बना दिए तो मजबूर हो जाएगा खाने के लिए। तो चलिए हम सर्व कर लेते हैं। फाइनली बन के रेडी हो चुका है कद्दू की सब्जी। तो फ्रेंड आपके घर में भी अगर कोई पसंद नहीं करता है तो ज़रूर आप इस तरह से एक बार ट्राई कीजिएगा, वो ज़रूर पसंद करने लगेंगे, बार बार बोलेंगे कि हमें कद्दू की सब्जी बनाकर दीजिए। तो मेहमान आए तो भी आप इस तरह बना सकते हैं, छोटी मोटी पार्टी हो उसमें भी बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल पर नहीं हुआ तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, तब तक के लिए।